हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। क्लास 9 की सीरीज के अंदर हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को ले रहे हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स के अंदर जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं उनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। उसके साथ साथ आपके पास जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन विच सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्वेश्चन के सोल्यूशन कैसे देखे जा सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से किया जाता है, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। तो क्लास 9 के अंदर आज हम यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 1 है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो है हमारे पास नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को बेसिकली हम यहाँ पर देखने वाले हैं, नंबर सिस्टम होता क्या है, इस टॉपिक्स के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, आपके पास जो बुक्स हैं उस बुक से रिलेटेड किस तरह से हम पढ़ते हुए चलेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बेसिकली बात करें तो नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा नंबर सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि नंबर सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन होता है वो क्या होता है। और इसके साथ साथ देखिए बात करें यहाँ पर जो नंबर सिस्टम होता है वो हमारे पास डे टू डे लाइफ से किस तरह से कनेक्टेड है, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। तो देखिए, इस नंबर सिस्टम चैप्टर्स के अंदर मैं ओवरव्यू देना चाहूँ, इस चैप्टर्स के अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम के अंदर फर्स्ट एंड थिंग्स आप यहाँ पर देखेंगे नंबर सिस्टम के अंदर नंबर्स क्या क्या होते हैं, यस, नंबर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर नंबर सिस्टम को एक लाइन पर, यस, लाइन मतलब नंबर लाइन पर हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग्स यहाँ पर नंबर सिस्टम के अंदर टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में देखेंगे कि कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, किन नंबर्स को क्या बोलते हैं, उन सबको देखने वाले हैं। प्लस इसके साथ साथ हम नंबर सिस्टम के अंदर नंबर लाइन पे नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो चीजें देखने वाले हैं। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को भी देखने वाले हैं। रेशनल नंबर से हम डेसिमल नंबर तक कैसे जाते हैं, डेसिमल नंबर टू रेशनल नंबर कैसे आते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। इसके साथ साथ अपने पास जो रेशनल नंबर्स होते हैं उन रेशनल नंबर्स के अंदर अर्थमेटिक्स जो ऑपरेशंस होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, उसके साथ साथ बात करूं यहाँ पर रेशनलाइजेशन, तो वो सारी चीजें कैसे की जा सकती है वो सारी चीजें देखने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं एक और चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर, हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट्स के बारे में भी देखेंगे कि पावर एक्सपोनेंट्स क्या होता है, पावर कैसे यहाँ पर यूज की जा सकती है, पावर एक्सपोनेंट्स के अंदर जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो कैसे किया जा सकता है। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे किया जा सकता है, वहां पर हम एडिंग कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन और उसके साथ साथ डिवाइड वगैरह कैसे करते हैं, और यहाँ पर पावर के साथ साथ कौन कौन से फंक्शन फॉलो होते हैं, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। तो बेसिकली बात करें इस चैप्टर्स के अंदर आपके पास एक ओवरव्यू मिल चुका है कि इस चैप्टर्स के अंदर हम बेसिकली क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे बात करूं सबसे पहले कि हमारे पास नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के अंदर कि नंबर सिस्टम हमारे पास डे टू डे लाइफ से किस तरह से कनेक्टेड है। तो देखिए आपके पास, आप कहीं पे भी चले जाइए, आपके पास नंबर सिस्टम आपको पास हमेशा दिखने वाला है। देखिए नंबर जहां पे यूज हो गया वहां पे नंबर सिस्टम आ चुका है, यस। जैसे मैं बात करूं आपके पास जो नोट्स होते हैं उन नोट्स के ऊपर आपके पास क्या होता है, आपके पास 1 रुपीज का आता है कॉइन, उसके बाद बात करूं 2 रुपीज कॉइन आता है, उसके बाद बात करूं 5 रुपीज कॉइन आता है। बात करें नोट्स के बारे में तो वहां पर आपके पास 10 रुपीज का नोट्स आता है, 20 रुपीज का नोट्स आता है, 50 रुपीज के नोट्स आते हैं। तो वहां पर एक नंबर लिखे होते हैं जिसके थ्रू हम उनको पहचानते हैं कि वो जो नोट्स है वो कितने का है। जैसे मैं बात करूं आपके पास एक सिंपल सा प्लेन पेपर लाके दे दूं, मैं बोलता हूं ये 50 रुपीज का नोट्स है, तो आप सिंपल से पेपर को देख के बता पाएंगे कि क्या वो 50 रुपीज का नोट्स है, नहीं, क्योंकि उसके ऊपर जो नोट्स की जो यहाँ पे प्रिंटिंग्स होती है जहां पे उसके ऊपर लिखा होता है कि वो 50 रुपीज का है वो वहां पर नहीं है, तब तक आप उसे नहीं कह सकते वो 50 रुपीज का नोट्स है। यदि मैं आपके पास 50 रुपीज का नोट लाके बोलूं तो आप यहाँ पर देखते ही बता देंगे कि वो 50 रुपीज का नोट्स है। रीजन क्या है यहाँ पर कि उसके ऊपर लिखा हुआ होता है नंबर के रूप में कि वो आपके पास 50 रुपीज का है। तो बेसिकली बात की जाए नंबर सिस्टम के बारे में तो नंबर सिस्टम के अंदर हम नंबर के बारे में स्टडी कर रहे हैं और ये नंबर हमारे पास डे टू डे लाइफ में सब जगह यूज होता है, यस, चाहे आप किसी भी चीज से लेते ले जाइए आप नंबर्स का यूज कहीं ना कहीं रूप में करते ही करते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा यहाँ पर नंबर सिस्टम क्या है। अब देखिए नंबर सिस्टम के अंदर नंबर सिस्टम को समझने से पहले नंबर लाइन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नंबर लाइंस क्या होती है, क्लियर। उसके बाद नंबर सिस्टम को बेसिकली बहुत अच्छे ढंग से समझने वाला है। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ सबसे पहले तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं नंबर लाइन के बारे में कि नंबर लाइन क्या होती है। तो आपके पास क्या होता है माइनस इन्फिनिटी टू, यस, मैं बात करूँ यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी क्या होती है, तो इन्फिनिटी मान लीजिए अनंत, यस, ऐसे नंबर जहाँ पर आपके पास फिनिशिंग नहीं हो रही है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर आप जीरो से कहीं नंबर से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलते रह रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, आपके पास नंबर कभी भी फिनिश नहीं होते, यस, आपके पास लाख होते हैं, उसके बाद और आगे बढ़ते रहते हैं नंबर, तो इसलिए आपके पास नंबर नहीं फिनिश होते हैं। तो जो नंबर जहाँ पे नंबर फिनिश नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। और इन्फिनिटी को दिखाने का जो नोटेशन है वो है आपके पास यहाँ पर लेटा हुआ 8, मतलब आपके पास अगर 8 को यहाँ पर सुला दें तो यहाँ पर आपके पास जो साइन बनता है वो इन्फिनिटी को दिखाता है। तो बेसिकली बात करें तो हमारे पास जो नंबर लाइंस होती है उस नंबर लाइन के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी नंबर्स होते हैं उनको यहाँ पर एक डिनोट करते हैं, यस, बात करें यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर डिनोट करते हैं। जैसे आपके पास देखिए मिडिल सेंटर के अंदर, यस, आपके पास मिडिल सेंटर के अंदर इस नंबर लाइन के मिडिल सेंटर के अंदर आपके पास क्या होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज 0 होता है,
क्लियर। अब बात करें इस जीरो से हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करें, इस जीरो से हम क्या करें राइट हैंड साइड मूव करें, तो राइट हैंड साइड मूव करने पर हमें सारे के सारे क्या नंबर्स मिलते हैं, पॉजिटिव नंबर देखने को मिलते हैं। यस, सारे के सारे कैसे नंबर देखने मिलते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर देखने मिलते हैं। अब इस नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, इस नंबर लाइन के अंदर बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, चाहे इसके अंदर डेसिमल ले लीजिए, चाहे रेशनल नंबर ले लीजिए, चाहे इरेशनल नंबर ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहें वो आपके पास इस नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली बात करें, ये जो नंबर लाइन होती है बेसिकली क्या होती है, आपके पास एक स्केल के फॉर्मेट में होती है। अब देखिए, स्केल तो आपके पास जीरो से स्टार्ट होती है, लेकिन ये जो स्केल्स है ये इस तरह की स्केल्स है कि यहाँ पर आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी नंबर चलते हैं। और इस नंबर के अंदर आपके बात करें सेंटर में आपके पास क्या होता है, जीरो होता है। इस जीरो के यहाँ पर राइट हैंड साइड मूव करें तो अब हमें यहाँ पे क्या मिलता है, पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं। अब बात करूं यहाँ पर इस जीरो के यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं तो हमें कैसे नंबर मिलते हैं देखने को मिलते हैं, नेगेटिव नंबर देखने को मिलते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा कि पॉजिटिव नंबर्स किस समय देखने मिलते हैं, नेगेटिव नंबर किस तरफ देखने मिलते हैं। क्लियर हो गए यहाँ पर? तो आप क्या करें, जीरो आपके पास सेंटर है, इस सेंटर के सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तब आपके पास क्या मिलेंगे, आपके पास नेगेटिव नंबर देखने को मिलेंगे। जैसे बात करें नेगेटिव वन, नेगेटिव टू, नेगेटिव थ्री, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव देखने को मिलेंगे। जीरो के इस तरफ बात करूं यहाँ पर, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ बात करूं यहाँ पर, तो मुझे सारे के सारे नंबर कैसे देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव नंबर्स देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा यहाँ पर, कि पॉजिटिव नंबर्स के अंदर आपके पास जितना बड़ा नंबर्स होगा वो ही नंबर्स उतना बड़ा होगा। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, आप कंपेरिजन करते हैं 100 को, आप बोले हैं 100 नंबर और आप बात कर रहे हैं 5 के साथ, तो आपके पास यहाँ पर जो नंबर्स है 100 वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन नंबर्स है। ये चैप्टर, ये जो टॉपिक्स है आप क्लास 8 क्लास 7 के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन एक रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर, छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स के अंदर जितना आपके पास बड़ा नंबर होगा, मतलब जितना आपके पास लार्ज नंबर होगा वो उतना ही लार्ज होगा। मतलब बात करें आपके पास 100 और 5 में से कंपेरिजन करेंगे तो 100 आपके पास ग्रेटर देन होगा, 5 आपके पास लेस देन होगा। बट बात करें यहाँ पर नेगेटिव के अंदर, नेगेटिव के अंदर जैसे आप यहाँ पर बात करेंगे माइनस फाइव और माइनस 100 के अंदर, तो आपके पास जो माइनस फाइव होगा वो ग्रेटर देन होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, कि नेगेटिव के अंदर जितना आपके पास छोटा नंबर होगा वो नंबर उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। देखिए रीजन क्या है यहाँ पर, उसको भी समझ लेते हैं कि आपके पास नेगेटिव के अंदर जितना भी छोटा, जितना छोटा नंबर होगा वो उतना ज्यादा बड़ा होगा, इसके पीछे रीजन क्या है यहाँ पर। देखिए इस नंबर लाइन को जरा गौर से देखिए, इस नंबर लाइन में ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज छुपी है। देखिए क्या छुपी है उसके बारे में बात करें यहाँ पर, तो नंबर लाइन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप खड़े हैं यहाँ पर माइनस फोर की तरफ, और आप किस तरफ चलते हैं, ऑलवेज एंड ऑलवेज राइट साइड की तरफ चलते हैं। ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या चलते हैं, राइट साइड के चलते हैं, और आप बोलते हैं कि राइट साइड चलने पर हमारे जो नंबर्स हैं वो हमारे नंबर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो बेसिकली बात करें तो आप जिस राइट साइड की तरफ चलते हैं तो नंबर क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पर नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो देखिए आपके पास नंबर थ्री क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, नंबर जीरो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, नंबर माइनस वन क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, आप कहाँ खड़े हैं, माइनस फोर पे खड़े हैं। तो यहाँ पर इस नंबर को देखने पर क्या लग रहा है कि माइनस वन जो है आपके पास बड़ा है माइनस फोर से। माइनस फोर से बड़ा कौन सा नंबर है, माइनस वन है। तो इसलिए क्या होता है, इन नेगेटिव के अंदर जितना आपके पास छोटा नंबर होता है वो नंबर उतना ही बड़ा होता है। पॉजिटिव के अंदर बात करें तो पॉजिटिव के अंदर नंबर जितना बड़ा होगा वही उतना बड़ा नंबर होगा। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो अब तक हमने क्या देखा कि हमारे पास नंबर लाइन होती है, इस नंबर लाइन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो सारी चीजें देखी हमने यहाँ पर। अब देखिए इस नंबर लाइन के अंदर हमारे पास बहुत टाइप के नंबर छुपे होते हैं। उन नंबर्स को हम यहाँ पर वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं कि कौन से नंबर क्या कहलाते हैं और किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और किन नंबर को क्या बोलते हैं, वो सारी चीज देखने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट एंड सबसे पहले फर्स्ट में बात करूं यहाँ पर, तो हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर के बारे में, कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो देखिए आपके पास जो नंबर लाइन थी, बेसिकली बात करूं यहाँ पर, देखिए इस नंबर लाइन के बारे में बात करूं, इस नंबर लाइन के अंदर मैं केवल इतने से पोर्शन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर, इस बाकी वाले पोर्शन को मैं यहाँ पे भूल जा रहा हूँ। तो ये जो पोर्शन होता है यहाँ पर, कहां से वन टू लगाकर आपके पास जितने भी नंबर्स होते हैं, वन टू लगाते हैं आपके पास कितने होते हैं, इन्फिनिटी तक जो भी आपके पास नंबर्स होते हैं, ये सारे के सारे नंबर्स आपके पास क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो अब जब भी आपसे पूछे नेचुरल नंबर्स क्या होता है, तो बेसिकली आप यहां पर बोले कि आपके पास नंबर वन से, आपके पास जो पॉजिटिव है नंबर वन से इन्फिनिटी तक जो भी नंबर चलते हैं वो सारे नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर के होते हैं। और नेचुरल नंबर को डिनोट करने का तरीका होता है एन। नेचुरल नंबर को डिनोट करने का तरीका क्या होता है, एन होता है। जहां कभी भी आपके पास एन दिख गया है तो एन को आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर बेसिकली बात करें तो एन को लिखेंगे वन टू, आपके पास क्या होगा, इन्फिनिटी, और इस तरह से लिखेंगे आप यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैंने दो टाइप्स के ब्रैकेट लगाए हैं, पहले आपने यहाँ लगाया बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया और यहाँ पर छोटे वाला ब्रैकेट लगाया, इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए बड़ा ब्रैकेट लगाने का मतलब होता है यहाँ पर
कि आप वन को इंक्लूड करते हुए चल रहे हैं। जब भी आपके पास यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लग जाता है, यस, आपके पास जो यहाँ पे ब्रिक ब्रैकेट लग जाता है, तब आपका मतलब क्या हो रहा है, वो नंबर आपके पास उस नंबर सिस्टम में इंक्लूड है। बात करें यहाँ पे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब अनंत है, अनंत का तो हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है, तो हम उसको इंक्लूड नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हमने वहां पे क्या लगाया, छोटा नंबर लगा दिया। क्लियर हो गया यहाँ पर कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है आपके पास, कि राइट साइड के अंदर आप जो भी चलते हैं नंबर, यस, वन से लगाकर राइट साइड में जो भी नंबर चलते हैं, वो सारे नंबर आपके पास क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। क्लियर। चले अब हमारे आगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बात करते हैं होल नंबर के बारे में। तो होल नंबर क्या होता है, देखिए नेचुरल नंबर का जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर भाई होता है, यहाँ पर बात करें यहाँ पर फ्रेंड होता है, यहाँ पर बेसिकली बात करें, देखिए नेचुरल नंबर आपके पास क्या चले थे, वन टू इन्फिनिटी चले थे। यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया, जीरो को भी इंक्लूड कर दिया, यस, सॉरी, देखिए यहाँ पर भी मैंने क्या किया, केवल यहाँ पे क्या किया, जीरो को इंक्लूड कर दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर जीरो को इंक्लूड किया यहाँ पर, तो आपके पास जो नंबर सिस्टम बना है वो आपके पास क्या कह रहा है, यहाँ पर होल नंबर बन गया है। आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका होगा कि होल नंबर क्या होता है यहाँ पर, कि आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली जीरो को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, तो उस नंबर सिस्टम को क्या बोलते हैं, होल नंबर कह रहे हैं। बस यहाँ पर क्या कर रहा है, सिंपल सा एक जीरो को ऐड कर दिया है। क्लियर हो गए यहाँ पर। तो ये जो नंबर्स होते हैं वो आपके पास कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, जीरो टू आपके पास क्या करते हैं, इन्फिनिटी तक चलते हैं। क्लियर हो गए यहाँ पर बेसिकली। चले हमारे अगले नंबर की तरफ। तो अगला नंबर है हमारे पास इंटीजर नंबर, यस, इंटीजर नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। देखिए इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं आपके पास, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे नंबर्स आपके पास क्या कहलाते हैं, इंटीजर नंबर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ डाउट करने वाली बात है कि यहाँ पर आप क्या करते हैं, डेसिमल जो नंबर्स होते हैं, जैसे मैं बात करूं 0.5 नंबर्स होते हैं, यस, ये आपके पास इंक्लूड नहीं होते इंटीजर नंबर के अंदर। बात करें जाए यहाँ पर 5/2, यस, 5/2, इस तरह के जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं वो भी आपके पास इंटीजर नंबर्स के अंदर नहीं आते। क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास जो 5/2 जैसे कि फ्रैक्शन नंबर्स हैं वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होते। तो यहाँ पर बात करें तो केवल आपके पास जो नंबर्स होते हैं, फिक्स नंबर्स की बात करूँ, जैसे आपके पास हो गया 5, जैसे आपके पास हो गया 100, जैसे बात करूँ यहाँ पर माइनस के 200, यस, जैसे बात करूँ माइनस के 100000, यहाँ पे जो भी नंबर्स होते हैं, तो ये सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं। बट यहाँ पर बात की जाए डेसिमल्स नंबर इंक्लूड नहीं होते, बात की जाए फ्रैक्शन नंबर आपके पास इंक्लूड नहीं होते। तो आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका है कि इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर नंबर्स आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी चलते हैं, प्लस कहाँ चलते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी चलते हैं। लेकिन बेसिकली बात की जाए तो यहाँ पे डेसिमल्स नंबर्स नहीं होते हैं, और इसके साथ साथ बात करो यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर्स भी नहीं होते। क्लियर। और इंटीजर नंबर्स को डिनोट करने का जो तरीका होता है वो होता है आपके पास आई। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो आई जहाँ पे भी आपको दिखे इंटीजर नंबर्स का, तो वो आपके पास क्या है, आपके पास इंटीजर नंबर्स है। और वहां पर आपके पास क्या कर रहे हैं, जितने भी फिक्स नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं। डेसिमल नंबर नहीं लेने आपके पास यहाँ पर, फ्रैक्शन नंबर नहीं लेने हैं, रूट्स के नंबर नहीं लेने, फिक्स जो नंबर्स है जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। क्लियर। चले हमारे अगले यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो अगला है यहाँ पर, देखिए उसके बात करूँ यहाँ पर, तो अगला है हमारे पास रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं जरा उसको समझे यहाँ पर। तो जो भी आपके पास फ्रैक्शंस में नंबर लिखे होते हैं, यस, फ्रैक्शंस में जो नंबर लिखे होते हैं उन्हें ही हम यहाँ पर क्या होते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। मतलब क्या करूँ यहाँ पर, कि ऐसे नंबर जिन्हें मैं यहाँ पर P/Q की फॉर्मेट में लिख सकूँ। P/Q मतलब रेशनल नंबर हो गया, यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गए, जैसे 2/3 हो गया यहाँ पर, बात की जाए यहाँ पर 5/7 नंबर्स हो गए यहाँ पर, बात की जाए 8/9 नंबर्स हो गए। तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में डिवाइड कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर्स के अंदर एक प्रॉपर्टीज होती है, जरा उसको याद रखें, यहाँ पर रेशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है, कि ऐसे नंबर जिन्हें हम डिनोट कर सके P/Q के फॉर्मेट में, जहाँ पे क्यू जो होता है आपके पास वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्यू की वैल्यू आपके पास जीरो नहीं होनी चाहिए। यदि क्यू की वैल्यू आपके पास जीरो हो गई तो वो आपके पास यहाँ पर रेशनल नंबर नहीं रहेगा, फिर वो अनडिफाइंड फॉर्मेट में बन जाएगा। देखिए इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है, उसको जरा समझते हैं यहाँ पर। जैसे मैं बात करूँ यदि आपके पास क्यू की वैल्यू जीरो हो गई, जस्ट लाइक बात करें यहाँ पर, तो आपके पास हो गया 1/0, यस, मान लेते हैं 1/0 हो गया। तो वन के अंदर हम क्या, जीरो के अंदर आपके पास वन के अंदर क्या करना है, जीरो का डिवाइड करना है। तो करते हैं वन के अंदर जीरो का डिवाइड, यहाँ पर तो वन आपके पास यहाँ आएगा, जीरो आपके पास आएगा। जीरो के टेबल को बोलना स्टार्ट करते हैं, 0/1, 0/2, 0/3, 0, मतलब जीरो की टेबल में कभी भी आपके पास वन नहीं आने वाला है। और जीरो की टेबल में कभी भी वन नहीं आने वाला है, तो इसका मतलब यही डिवाइड भी नहीं होने वाला है। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड फॉर्मेट बोलते हैं। क्लियर हो गए यहाँ पर बेसिकली बात करें। तो इसलिए क्यू की जो वैल्यू है, यस, बात करें क्यू की वैल्यू की, क्यू की वैल्यू मतलब आपके पास क्या है यहाँ पर, आपके पास जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर की वैल्यू आपके पास जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो के अलावा जो भी चलेगी, नेगेटिव चलेगी, पॉजिटिव चलेगी, इंटीजर चलेगी, होल नंबर चलेगी, आपके पास नेचुरल नंबर चलेगी, जो भी है आपके पास वो हो जाना चाहिए। बट बात की जाए यहाँ पर, जीरो नहीं होना चाहिए,
जीरो नहीं होगा। रीजन मैंने आपको समझा दिया कि जीरो से आप जब भी डिवाइड करेंगे तो वन डिफाइन आएगा। यस, जीरो की टेबल्स हमें पता है, जीरो की टेबल्स क्या होते हैं, जीरो वन जा जीरो, जीरो टू जा जीरो, जीरो थ्री जा जीरो। ओके, तो आपके पास ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या चलने वाला है, जीरो ही चलने वाला है। तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास कोई भी नंबर नहीं आएगा, और जब नंबर नहीं आएगा देन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी नहीं कर सकते, तो वो अनडिफाइंड वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगती है, बेसिकली बात करें इस रेशनल नंबर के अंदर, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, पी बाय क्यू की फॉर्मेट में लिखते हैं, जहां पे क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्लियर, जैसे मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल के फॉर्मेट में, एग्जाम्पल के फॉर्मेट में समझाऊं, यहाँ पर फाइव डिवाइड बाय आपके पास कितना हो गया, यहाँ पे बेसिकली बात करो टू हो गया है। नेक्स्ट बात करूँ सेवन डिवाइड बाय कितना हो गया आपके पास, यहाँ पर बात करूँ नाइन हो गया। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिन्हें आप यहाँ पर पी बाय क्यू की फॉर्मेट में लिख सकते हैं बेसिकली। क्लियर, और इसको यहाँ पर नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या थी यहाँ पर इस रेशनल नंबर के बारे में, कि आपके पास इसको पी बाय क्यू के फॉर्मेट में लिखना है और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो क्लियर हो गया यहाँ पर, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्लियर, तो अब मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जहां पर हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं। यस, हमने जो नंबर सिस्टम पढ़ा है, नंबर लाइन के बारे में डिस्कस किया है, नंबर लाइन क्या होती है, किस तरह से होती है, जरा एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए आपके पास जो नंबर लाइन होती है उसके बारे में फिर से दिखा दूंगा आपके पास। तो ये आपके पास नंबर लाइन होती है, इस नंबर लाइन के बारे में हमने प्रॉपरली डिस्कस किया कि नंबर लाइन क्या होती है, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाती है, इसके अंदर कौन कौन से नंबर्स होते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। तो अब क्या करेंगे, हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जहां पर हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी आपके पास एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं, और क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है। यस, वन बाय वन क्वेश्चन को देखेंगे, किसके आंसर कैसे निकाले जा सकते हैं, यहाँ पर नंबर सिस्टम से अनुसार किस तरह से जुड़े हुए हैं, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।